हेलो एवरीवन, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए वीडियो। तो स्टार्ट करें मार्केट, सब लोग नीचे जा चुके हैं, मैं बच्चियों में गेट वेट कर लिए थे मैंने, चलते हैं। अब वही ड्रेस पहनी है जो उस दिन पार्टी में पहनी थी, वो एक टंग रही थी, एक दिन पहना था, तो मैं चलो यही पहन के चलती हूँ। और मैं आई थी जब तक ये लोग लग रहे थे अपने अपने फोटो वगैरह खींचने में, तो फोटो वगैरह खींच रहे हैं अपनी, सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। और मैं बोल रही हूँ कि इधर की साइड देखो तो मेरी साइड देखने लग गया था, और नन्नू कितना खुश हो रही है देखो। अदिति और नन्नू को बहुत पसंद है सेल्फी वगैरह लेना, तो देख सकते हो किस तरीके से कर रहे थे वो लोग। और जाते हैं मार्केट, तो मार्केट जाना है आज। एक तो लेके आना गिफ्ट इनके फ्रेंड के लिए जिन्होंने इनको रिटर्न मतलब गिफ्ट किया था उस पर क्रिसमस पे, और एक और कुछ गिलास वगैरह, कांच के गिलास वगैरह लाने थे मेरे को, तो वो लेके देखने क्या क्या सामान मिलता है। तो चलते हैं मॉल में। क्रिसमस की वजह से आप देख सकते हो कि किस तरीके से धूमधाम से धूमधाम मच रही है बिल्कुल मार्केट वगैरह में, मॉल्स वगैरह में, और काफ़ी भीड़ थी। और ये लोग खाने वाले आइसक्रीम मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा गला ख़राब है, ये लोग खाएंगे तो इनको, ये खा रहे हैं तब तक मेरे को सूट करना था थोड़ा सा। और यहाँ पे देख सकते हो जो रेड कलर की साड़ी, वो 21,000 की साड़ी है ये, और जो इसके पास वाली थी वो 15,000 की थी, और ये 25,000 की थी ब्लू सॉरी येलो वाली, और ये ग्रीन है इधर वाली, ये थी 30,000 की। क्या था इनमें आप खुद देख लीजिए, लोग बाग बोलते हैं कि क्या था इसमें, तो कितनी महंगी महंगी साड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पे, बहुत महंगा सब कुछ। पर साउथ इंडियन साड़ी है तो बहुत अच्छी से बनारसी और साउथ इंडियन साड़ी बहुत महंगी महंगी मिलती है। और ये लोग ले रहे हैं यहाँ पे आइसक्रीम। ए नन्नू चट्टो, और अद्दो चट्टो, ए चट्टो, ए चट्टो, अदि चट्टो, और बाकी पापा चट्टो। मैंने लो क्या खरीदने आए हो? क्या खरीदने आए हो आप? हाँ देख सकते हो क्रिसमस की वजह से कितनी धूमधाम लगी थी, पूरा होटल बिल्कुल ऐसे सजाया हुआ था, क्योंकि शादी वगैरह की थी, और बहुत ही अच्छी अच्छी लाइटिंग वगैरह किया हुआ था किसी ने वहाँ पे, तो लाइटिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे, वहाँ की लाइटिंग बहुत अच्छी अच्छी कर रखी थी उन लोगों ने। और काफ़ी बड़ा होटल है ये, मैं बता नहीं सकती कितना बड़ा है, अकॉर्ड है इसका नाम, पॉन्डिचेरी तक सर्च करते रहना, इतना बड़ा होटल है, बहुत ज़्यादा इसलिए स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ है। और ये मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ भी है क्रिसमस की वजह से, रात अंधेरा होता था आप देख सकते हो बिल्कुल, तो हम काफ़ी लेट हो गए थे आने में, और हम गए थे सुबह मार्केट, तो शाम को मैं आपको शो कर रही हूँ। मैं कुछ लेके आई थी वहाँ से, तो मैं लेके आई थी एक ग्लास, ये दो थे ये ग्लास, तो दो पड़े, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। कई बार कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए चाहिए होता है, या फिर कई बार ये लोग पार्टी वार्टी करते हैं तो उसके लिए चाहिए होता है, तो मैं लेके आई थी ये दो ग्लास, तो इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और इसकी एक की प्राइस थी 400 का था एक, पर 399 का लिखा हुआ है यहाँ पे, 400 का तो 399 का था, 400 का ही मानो, पर ये पड़ा था हमारे 200 रुपए के पड़े थे, दो ग्लास 400 के पड़े थे ये, और इनकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। मैंने सोचा चलो ठीक है मैं लेके आई तो शो करती हूँ आप लोगों के लिए, तो बता देती हूँ एक बार मैं आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दूध वगैरह के लिए लेना होता है, या तो दूध के लिए चाहिए होता है, और ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी इसकी। और ये था हाफ के जी का 500, आधा किलो से ज्यादा। क्रिसमस पे मेरे हस्बैंड को दिया था किसी ने ये गिफ्ट, यहाँ पे एक्चुअली क्या रिवाज है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे क्रिसमस होता है तो इनके हॉस्पिटल में तीन पूरे बाड़ में तीन या चार स्टाफ है, तो उनमें सब में से सब आप एक दूसरे को गिफ्ट देते, तो इनको किसी ने दिया था ये मिल्टन, और ये मिल्टन दिया था, तो उनको भी इनको वापस देना था कुछ, तो हमने दिया था, और हम उसके लिए गिफ्ट लेने गए थे, तो हमने दी थी उसको टी शर्ट, एक ग्रीन कलर की थी, काफ़ी अच्छी सी लाइट ग्रीन कलर की, तो ये मिल्टन दिया था उन्होंने।
तो इसलिए मॉल जाना पड़ा था हमको उसी दिन ये गिलास वगैरह हम लेके आए थे वहां से, तो उनको रिटर्न गिफ्ट करना था तो गिफ्ट लेने गए थे हम लोग। तो गुड आफ्टरनून, और अभी टाइम हो रहा है शायद 12:30, शायद 12 के आसपास ही हो रहा टाइम। तो बहुत जरूरी है क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है स्किन पूरी, तो इसलिए लोशन वगैरह यूज़ ज़्यादा करना चाहिए, दिन में 2 या 3 बार यूज़ करना चाहिए लोशन। तो अभी हम लोग यहाँ बाहर बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, सब कुछ हो गया काम वगैरह सब कुछ पता है। ये आ गई हमारी नन्नू बेबी, इसके अंदर भी एक है भैया, पता नहीं क्यों नहीं पता है। ये देखो हमारी नन्नू, और ये मेरी मम्मी, देखो रख दो स्टैंड तक। तो और उधर धूप लगाई है चलता रहो के, तो वो सुखा रखे हैं अभी, कल ऐसे ही डाल रखे हैं हल्की हल्की धूप में, ताकि थोड़ी धूप लग जाए और स्मेल से निकल जाए उनमें से। ये बट करके किसी की पिटाई करेगा नन्नू। और कब बेटियाँ माँ के बराबर इतनी बड़ी हो जाती है पता भी नहीं लगता है। अदिति ने पहनी है आज मेरी ड्रेस, बहुत खुशी हो रही है आज मेरे को इस चीज़ के लिए। इसलिए हम बैठे थे थोड़ी देर बाहर क्योंकि हवा चल रही है, तो बाल वगैरह जल्दी से सूख जाएंगे इसके, तो सूख गए थोड़े थोड़े से गीले थे इसके, तो मेरे तो गीले हैं अभी। काम सारा हो चुका है, खाना वाना हो गया, कपड़े सुखा रहे जो धोए थे वो रखे हैं अभी। और हेलो छे, हेलो 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 अदिति इधर आओ। नन्नू हेलो, नन्नू हेलो, नन्नू का वे गुड। और अदिति तो अदिति के मेरी ड्रेस आने लगी है अभी, मैंने थोड़ी सी पीछे से टाइट की थी, बाकी देख सकते हो आप मेरी ड्रेस पहन के रखी है ये, उसको आ गई अच्छी से थोड़ी सी। वो बोल गई मम्मा मुझे आपकी ड्रेस दे दो, और मैंने बोला आपके तो आती नहीं क्यों, मम्मी मैं टाइट करके पहन लूंगी तो मेरे को दे दो। अब उसने ले लिया वो, ये देख सकते हो नीचे से दिखाते हैं, खड़े हो खड़े हो तो अभी जस्ट यहाँ बैठे हैं बाहर धूप में।
से हेलो 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 जी, मैं भी अपने बाल काटने की सोच रही थी, मशीन भी है बट सोच रही हूँ कि जनवरी में ही कटवाऊंगी अच्छे से, कुछ अच्छा सा हेयर कट वगैरह ले लूंगी। तो अभी काटने का मन तो है क्योंकि हल्के हल्के से नीचे से ऐसे लग रहे हैं ड्राई, मतलब एकदम रफ रफ से, तो मैं सोच रही हूँ काटने की, बट अभी नहीं काटूंगी, जनवरी में देखती हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, अभी नानू भी थोड़ी रोवियस है तो उसको देखती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। बाल भी सूख चुके हैं हल्के हल्के से, काफ़ी हद तक सूख चुके हैं पहले के बजाय, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में आपसे। और खाना वाना सब कुछ हो चुका है, फ्री है बिल्कुल। और जैसे मैंने बैंगन के पेड़ वगैरह सब कुछ निकाल दिया, इनमें मैं लगाऊंगी यहाँ पे गेंदे के जो फूल होते हैं वो वाले, उसके पेड़ लगाऊंगी। फूल पेड़ हो रहे हैं, छोटे छोटे से पेड़ आ रहे हैं तो वो लगाऊंगी मैं। तो अभी वो खाली पड़े हैं सारे उधर की साइड, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में आपसे, क्योंकि नानू रो रही है। अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे का, हमने मैंने भी नहीं चाय, तो चाय वाय पीने के बाद मैं डालूंगी पेड़ वगैरह में पानी, तो मिलते हैं तब। आप भी आप लोग बना लीजिए अपनी चाय, एंजॉय करते हैं चाय अपनी, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया पेड़ों में पानी वगैरह डालना, तो पानी वगैरह डाल के फिर थोड़ी देर बाद खेलेंगे अदिति और उनको भी खिलाऊंगी छत पे। यहाँ पर मैंने डाल दिया पेड़ों में पानी सब कुछ, तो यहाँ पर लगाया मैंने छोटा सा एलोवेरा का पेड़, और ये जो छोटा सा बैंगन का पेड़ दिख रहा है ना, इससे बैंगन के फूल आ रहे हैं, छोटे छोटे से बैंगन भी आने वाले हैं, तो देखते हैं। और तो मैंने निकाल दिए सारे, यही बच रहा है, तो देखते हैं कि ये छोटे छोटे से गेंदा के बीज लगे, फूल लगे हुए हैं, बीज छोटे छोटे पेड़ आ रहे हैं, अब ये बड़े हो जाएंगे, तो इनको मैं सारे गमलों में अलग अलग कर दूँगी। अभी तो छोटे छोटे हैं, फिर अभी नहीं लगाऊंगी, थोड़ी देर बाद में लगाऊंगी। यहाँ पर खेल दिया अदिति रंग की साइड, मैंने डाल दिए सारे पेड़ों में पानी वगैरह डाल दिया मैंने, अगर ये खाली पड़े। अमरूद का पेड़ भी काफ़ी अच्छा हो रहा है पहले से। अब अभी टाइम हो रहा है 6:30, 6 में थोड़ा सा कम है अभी, तो देख सकते कितने अच्छा लग रहा है, सूरज भगवान जा चुके हैं, बिल्कुल डूबने वाले हैं अब, और अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर बाद में। चाय वाय हो चुकी है हमारी, और थोड़ी देर पर मैं सोच रही हूँ झाड़ू वगैरह निकालूंगी, तो झाड़ू लगाना है सबसे, देखती हूँ टाइम मिल जाएगा तो लगाऊंगी, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। देखो बैंगन कितने सारे आ रहे हैं अभी भी, और काफ़ी सारे आ रहे हैं, और मैंने सारे पेड़ निकाल दिए हैं वैसे बाकी से, पर ये पता नहीं क्या है, एक्चुअली नॉर्मली उगा हुआ है हमारे इस बकेट में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं, देखते हैं, अच्छा लग रहा है। और ये टमाटर का पेड़ हो चुका है, यहाँ पे खिला रहे हैं अदिति नन्नू के पापा उसको, नन्नू को, तो अदिति खेल रही है यहाँ पे छत पर, बॉल नारियल के उसके सूखे वाले नारियल के उससे बॉल बना के खेल रही है पागल, क्या खेल रही है। थोड़ी देर यहाँ पे छत पर बैठे हैं, तो हम लोग चले जाएंगे थोड़ी देर बाद में, तो अभी थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपकी फैमिली के सामने। तो अभी भी खेल रही है, तब तक अंधेरा होने में ही है, थोड़ी बहुत देर में बिल्कुल ढल चुका है सूरज वगैरह, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर बाद, थोड़ा थोड़ा है उजाला, धूप निकल रही है हल्की सी, और ये देख सकते हो सूरज भगवान जा चुके हैं बिल्कुल, किस तरीके से लग रहे हैं आप देख सकते हो, खुद कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, ऐसा लग रहा है कि आसमान में बिल्कुल येलो येलो कलर कलर जैसा, देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। इतना काम क्यों कर रहे हो बेटा, हैं? इसलिए कर रहे हो, तो मैं कर लूंगी, आप रहने दो, क्यों मिट्टी में हो रहे हो बेटा, नहीं हो रहे हो बेटा, रहने दो, मिट्टी जा रही है बालों में, हेयर वॉश किया ना आपने, रहने दो। जोगन दासे से दिखा रही हूँ मैं आपको, अभी बहुत और ज्यादा नीचे जा चुके हैं, पहले थोड़े ऊपर थे, और कितने अच्छे लग रहे हैं, बार बार मुझे मन कर रहा था कि दिखाई जाऊँ आपको, काफ़ी अच्छे लग रहे थे दिखाने में, आप देख सकते हो बिल्कुल ढलने वाले हैं, जा चुके हैं मतलब पूरी तरीके से, थोड़े से और बच रहे हैं। मन कर रहा था कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हो आप, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बल्ब जलाया हुआ है, अब ये जा चुके हैं पूरी तरीके से, थोड़े से और बच रहे हैं, आसमान देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं, ये मेरी मम्मी कर रही है झाड़ू लगा, और यहाँ पे नन्नू खेल रही है, ये देखो बहुत गंदी हो रही है छत तो, और अभी
टाइम हो रहा है 7:30 और मेरा बन रहा है यहाँ पे डिनर और पकौड़ी की दाल भिगो के रखी थी आज, मुझे पता नहीं लगा इन्होंने कब दाल भिगो दी, तो पकौड़ी बन रही है और साथ के साथ सुबह के लिए मैंने करेले वगैरह साफ करके रख दिया, अभी से नमक लगा के रखना है जस्ट बस। तो रोटी सिक रही है साथ के साथ, रोटी भी बना रही हूँ। अदिति पढ़ाई कर रही है, नन्नू सो चुकी है और डिनर बस कंप्लीट है। सब्जी मुझे बनानी नहीं है क्योंकि आज सुबह मैंने अरवी की सब्जी बनाई थी, काफी अच्छी बनी और रखी भी है वो, तो इसलिए सब्जी वगैरह तो बनानी नहीं है। और इन्होंने सेका था सुबह इस पे जीरा, इन्होंने तवा तोड़ दिया मेरा, इधर की साइड हल्का सा कोना दिख रहा होगा आपको। और साथ साथ पकौड़ियों के लिए बना यहाँ पे ऑयल गरम, तो ऑयल गरम हो चुका है, एक डाल के देखती हूँ तो नमक मिर्ची का उसका पता लग जाएगा उसमें थोड़ा सा। थैंक यू अदिति, अदिति चिल्ला मत चिल्ला मत, अदिति पहले खाना खाओ, पहले खाना, अदिति चिल्लाए मत, अदिति राजा मत चिल्लाए भाई, अब दो नेक नेक जग जाएगी वो। अदिति मैंने बोला ना नहीं अभी, नहीं आदिति आटा नहीं देते आदि, गंदी बात आदि, ये गलत बात है ना, नहीं जो एक्स्ट्रा मसाला था वो बच गया, इसको रख दूंगी मैं फ्रीज में, तो इसको सुबह मैं चाय के साथ बनाऊंगी, चाय के साथ दे दूंगी, फिर ढक के रख दूंगी पहले किसी चीज़ से, तो फ्रीज में रख दूंगी, तो फ्रीज में सुबह काम आ जाएगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा अगर यहाँ छोड़ दूंगी तो। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो आपके खाना वगैरह बन चुका है मेरा, और यहाँ पे मैंने सुबह के लिए साफ़ किए थे करेले, तो करेले मैंने साफ़ करके रख दिए क्योंकि सुबह इतनी जल्दी साफ़ नहीं कर पाते और इतने टाइम भी ज़्यादा लग जाता, तो मैंने अभी साफ़ करके रख दिए सारे, तो सुबह बनाऊंगी मैं इनको। और इसको मैंने नमक लगा के रखा है, तो थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से वो करके रख दूंगी, तो सुबह तक क्या है इसका कड़वापन निकल जाएगा और मैं बनाऊंगी फिर सुबह इसको सब्जी को। तो इसको रख दूंगी फ्रीज में ढक्कन बंद करके,
और देखते हैं सुबह सब्जी कितना लेट बनाती हैं, जल्दी बनाती हैं क्योंकि कुछ पता नहीं है ड्यूटी कौन सी है मुझे, तो कल देखते हैं और कैसी बनती है। पकौड़ी बहुत अच्छी बनी थी, मैंने एक टेस्ट करके देखी थी, काफ़ी अच्छी थी पकौड़ी और सबने खाई अच्छी। अदिति मिर्ची भी थोड़ी सी कम थी तो अदिति की वजह से मैंने कम की थी, तो अदिति ने भी अच्छे से खा ली थी। और बस अब मेरा काम सारा ख़त्म हो चुका है, बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए थे, तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ करेले मैंने साफ़ करके इसलिए रख दिए क्योंकि सुबह इतनी जल्दी कर नहीं पाती, तो इसलिए मैंने अभी करके रख दिए, वो तो हो चुके हैं यहाँ पे। और पकौड़ी भी तैयार है, पकौड़ी भी काफ़ी अच्छी लगी थी, टेस्ट अच्छा था, नमक भी ठीक था, थोड़ी सी हल्की सी मिर्ची कम करी थी अदिति की वजह से, ये बन के तैयार हो चुकी है पकौड़ी। अब हम खाएंगे खाना और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसकी रेसिपी तो मैंने पहले ऑलरेडी शेयर की हुई है मेरे चैनल पर। अभी ये तो क्या है, मैंने आपको बताने के लिए ऐसे ही बता दिया, नहीं तो मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा।